लखनऊ से है। सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कानून होगा। कानून सख्त करने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी में दंगाइयों पर अब सख्त एक्शन होगा। तो सख्ती पहले से है लेकिन अब और ज्यादा सख्त सरकार होने जा रही है। प्रशासन की और ज्यादा सख्ती होगी दंगाइयों पर और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि दंगाइयों को अभी भी बख्शा नहीं जा रहा लेकिन अब और ज्यादा सख्त कानून होगा। यहां पर यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दंगाइयों के खिलाफ सख्त होगा और कानून अब सख्त से सख्त एक्शन जो है वो योगी सरकार अब उठाएगी। कानून की सख्ती की तैयारी योगी सरकार कर रही है। दंगाइयों की अब एक बार फिर से खैर नहीं। किसी भी सूरत में दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर विशेष फोकस है सरकार का और इसीलिए अब और ज्यादा सख्त कानून बनाने की तैयारी चल रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ में सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। दंगाई के खिलाफ सख्त कानून अब होने जा रहा है ये सूत्र बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, दंगाइयों को हाल फिलहाल अभी भी बख्शा नहीं जा रहा उत्तर प्रदेश में लेकिन अब और सख्त कानून लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए बिल्कुल शिल्पा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर सुबह की मीटिंग में कह दिया गया कि उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कहीं भी कोई तोड़फोड़ होती है, कहीं भी दंगा होता है तो उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसके तहत 6 महीने तक कोई बेल की सुनवाई नहीं हो सकती। तो लंबे समय तक आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी क्योंकि लगातार कहीं भी कोई बात होती है तो सरकारी चीजों को, बस को जलाया जाता है, प्राइवेट संपत्ति को तोड़फोड़ की जाती है। पहले से प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट अधिनियम पिछली विधानसभा में पारित हो चुका था तो निश्चित तौर पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। और ये मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक में पहुंच चुका है और डीजीपी को साफ तौर पर कहा गया है कि इस कानून को और सख्त किया जाए जिससे कहीं भी लोग कानून को अपने हाथ में ना ले सके और जो दंगे और उपद्रव की साजिश करते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सके। शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए।